नमस्कार, वेबदुनिया समाचार में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ने कहा, मुलायम के मार्गदर्शन में ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि वे हमेशा अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर चलेंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर एक दो दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। चुनाव आयोग के समक्ष साइकिल की लड़ाई में मिली जीत के बाद अखिलेश ने बधाई देने वाले मंत्रियों, विधायकों और समर्थकों के बीच कहा कि उन्हें सपा का आधिकारिक चुनाव चिन्ह साइकिल मिलने का पूरा भरोसा था, लेकिन अब उनके सामने विधानसभा चुनाव जीतने की चुनौती है। अखिलेश ने कहा कि सोमवार रात अपने पिता मुलायम से आशीर्वाद लेने गए थे, वे हमेशा उन्हें साथ लेकर चलेंगे। यह रिश्ता अटूट है, अगला चुनाव उनके मार्गदर्शन में ही लड़ा जाएगा। अब मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी है, इसके लिए सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सहयोग चाहिए। अखिलेश का कहना है कि वैसे तो सपा अपने दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन अगर कांग्रेस का साथ मिला तो वह 403 में से 300 से ज्यादा सीटें जीत लेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादियों की सरकार बनाना उनका लक्ष्य है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पार्टी के यूपी प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने यहां इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया जा चुका है। इसके साथ ही यूपी में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित ने यह कहते हुए मैदान छोड़ दिया है, क्योंकि राज्य में सपा के साथ गठबंधन होने जा रहा है, इसलिए एक राज्य में मुख्यमंत्री पद के दो उम्मीदवार नहीं हो सकते। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। कांग्रेस का आरोप, संदिग्ध विदेशी कंपनी को सौंपा गया नोट छापने का काम। कांग्रेस पंजाब में नहीं करेगी गठबंधन, अमरिंदर सिंह को दो तिहाई बहुमत का भरोसा। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा, झूठी है इस्तीफे की खबर। डोनाल्ड ट्रंप को झटका, सुरक्षा सलाहकार पद पर नामित क्राउली ने वापस लिया नाम। वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी नोमूरा ने कहा, मुद्रा स्फीति GDP पर GST का न्यूनतम असर होगा। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।